अस्सलाम वालेकुम गाइस, इट्स मी अगेन डार्क लॉर्ड। गाइस कैसे हैं आप सब लोग? आज का व्लॉग बाकी व्लॉग से थोड़ा सा डिफरेंट होने वाला है। डिफरेंट भी कह सकते हैं और लेस इंटरेस्टिंग भी आप लोग कह सकते हैं, और इस वजह से क्योंकि मेरे बाकी व्लॉग वो बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगते हैं, उम्मीद है आप लोगों को भी अच्छे लगते होंगे। उसमें मैं रियल टाइम काम कर रहा होता हूँ, मीन जैसे जैसे मैं किसी जगह पर जा रहा होता हूँ वैसे वैसे कैमरा मेरे हाथ में होता है, ऐसे मैं शूट कर रहा होता हूँ। लेकिन ये वाला व्लॉग ये एक किस्म की मेमोरी है, ये मैंने इस्लामाबाद में शूट किया था, पिछले दिनों गया था ना इस्लामाबाद में, आप लोगों को याद होगा 10-12 दिन हो गया तकरीबन इस्लामाबाद गए थे, वहाँ पर ये शूट किया था। और इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें हमारे मामू लोगों ने हमारे साथ पार्टिसिपेट किया था, बड़े मामू से ले कर छोटे बच्चे तक इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये एंशियंट गेम है, पिट्ठू गरम नाम है, आप लोग तो शायद नाम से भी ना वाकिफ़ होंगे। ये जब मैं छोटा होता था उस वक़्त हम लोग गली मोहल्ले में जा कर खेला करते थे, अब तो ये नापैद हो चुके हैं। इस तरह के गेम जो आउटडोर गेम्स होते हैं ना, सिर्फ क्रिकेट रह गई है, बाकी तो ज़्यादातर इस तरह की गेम जैसे गुल्ली डंडा ये नापैद ही हो चुके हैं, क्योंकि अब ज़माना है इंटरनेट, मोबाइल, लैपटॉप वगैरह, अब लोग ज़्यादातर तरजीह देते हैं इनडोर गेम की। आउटडोर गेम्स कम से कम होती जा रही हैं। मुझे याद है जब मैं छोटा हुआ करता था उस वक़्त ये हॉकी हुआ करती थी, फुटबॉल हुआ करते थे और क्रिकेट हुआ करता था, और इस तरह के बहुत ढेर सारे गेम्स हुआ करते थे जो अब तकरीबन नहीं खेले जाते, वो नापैद हो चुके हैं। तो इस दफ़ा जब हम लोग कज़न्स वगैरह इकट्ठे हुए तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना ऐसी गेम खेली जाए जो कि नापैद हो चुकी है। पहले हम लोगों ने सोचा कि गुल्ली डंडा खेला जाए, फिर हमने कहा कि मामू के नए घर की मुबारक देने आए हैं, कहीं शीशे वीशे ना टूट जाए, तो फिर हम लोगों ने वो वाला प्लान बाहर कर दिया। फिर हम लोगों ने सोचा पिट्ठू गरम खेलते हैं, उसके रूल्स आपको बता देता हूँ, वही हम लोगों ने प्ले किया था, छोटे भतीजे से लेके बड़े मामू ने वही प्ले किया था, और यही मेमोरी है जो कि मैं सेव रखना चाहता था। पहले तो मेरा कोई इरादा नहीं था इस पूरे ब्लॉग को अपलोड करने का, क्योंकि ये लेस इंटरेस्टिंग था, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसको अपलोड करने का, लेकिन ये हमारी मेमोरी थी, क्योंकि फिर शायद कभी लाइफ में इस तरह कोई हैपन ना हो, शायद मामू हमारे साथ ना खेलें, शायद छोटा भतीजा वो बड़ा हो जाए, मुमकिन है ना फिर ऐसा वक्त ना आए, इसलिए मैं ये वाली मेमोरी सेव रखना चाहता था, जिसकी वजह से ये मैं व्लॉग अपलोड कर रहा हूँ। तो इसके रूल मैं बता दूँ, पहली टीम होती है उसने स्टैक को गिराना होता है, स्टैक छोटे छोटे पत्थरों का एक बनाया होता है, छोटी सी बिल्डिंग वगैरह, पहली टीम ने बॉल मार के उस स्टैक को गिराना होता है, और दूसरी टीम ने बॉल के साथ ही पहली टीम के जो प्लेयर्स होते हैं ना उनको बॉल मार के आउट करना होता है, रोकना होता है ताकि वो स्टैक दोबारा ना बिल्ड कर ले। तो जब पहली जो टीम होगी वो स्टैक बिल्ड कर लेगी तो उसका एक पॉइंट हो जाएगा। बस हम लोगों ने यही प्ले किया था, आप लोग ब्लॉग देखें, पहले ब्लॉग से लेस इंटरेस्टिंग होगा, कंप्रोमाइज़ कर लेना, ना दिल करे तो बेशक वीडियो छोड़ दीजिएगा। मैं चलता हूँ, खुश रहिएगा, दूसरों को खुश रखने की कोशिश कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। Oh my god!
सारे एक पॉइंट हो गया, एक पॉइंट सारे हरे हो सब हरे हो। अगर अपने बकूब मैं उसको मार रहा था उसके कान के पीछे आना ये खड़ा है ना पीछे तो कोई और आ जाए अच्छा ये किया ये भाई सब भाई सब भाई मैं बॉल फेंक रहा हूं मैं पीछे जाऊं।